हेलो गाइस, वेलकम. बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे मिस्टिक टैरो वर्ल्ड चैनल पे. आज हम एक पिक अ कार्ड सेशन करने वाले हैं. उससे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि हमारे दूसरे दो चैनल्स हैं तो उस पर आप विजिट करिए, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए उन पर भी. यहाँ पर हम जो पिक अ कार्ड सेशन करने वाले हैं वो ये टॉपिक है कि क्या आप दोनों एक दूसरे के लिए सीरियस हो, क्या आपके पर्सन आपके लिए सीरियस है. ज़्यादातर तो इस पे गौर करेंगे कि आपके पर्सन आप पे सीरियस है या नहीं है, या सब ऐसे ही है, वही टाइम पास चल रहा है. तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड है उस पे मैंने रखा है ऑरेंज स्टोन, सेकंड पे है पर्पल स्टोन और थर्ड पे है येलो स्टोन. तो जो भी पाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, आपको इंट्यूटिवली लगता है हाँ इस पाइल के नीचे मेरा आंसर होगा, प्लीज़ उसे चूज़ करिए. पाइल सिलेक्शन पे ज़्यादा टाइम दीजिए ताकि आप गलत पाइल चूज़ ना करें. ओके, सो सबसे पहले हम पाइल नंबर वन से शुरुआत करेंगे. देखते हैं जिसने भी ऑरेंज कलर का स्टोन चूज़ किया है उनके लिए क्या निकल के आता है. तो जिन्होंने ये ऑरेंज स्टोन चूज़ किया था, पाइल नंबर वन चूज़ किया था, देखते हैं आपके पर्सन आपके ऊपर सीरियस है या नहीं है. फर्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, गिल्ट, नथिंगनेस एंड द लवर्स. ओके, सो जहाँ तक के पाइल नंबर वन मुझे दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन आपसे अट्रैक्टेड काफ़ी ज़्यादा है, सेक्सुअली काफ़ी ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं आपके लिए. जो भी हो आप, जैसे भी हो, आपको बहुत लाइक करते हैं. अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रांग मुझे आप दोनों के बीच दिखाई दे रहा है. बहुत ही अट्रैक्टेड हो सकते हैं आपके पर्सन आपसे. हो सकता है आप अपने लाइफ में जहाँ पे भी हो, जिस पोजीशन पे भी हो, आप जो भी काम करते हो उसमें आप एक बहुत ही अच्छे लेवल पे हो, जो कि इनको काफ़ी इम्प्रेस करती है जो चीज़ आपके बारे में. ओके, मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है अगर ये पर्सन ऑलरेडी ऐसे हैं जिनसे आप डील कर चुके हो, और कुछ टाइम पहले अगर ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए थे, या आपके एक्स है, तो ये पर्सन आपके ऊपर स्टॉक करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि आप लाइफ में कर क्या रहे हो, आप आगे तो नहीं बढ़ गए, आप किसी और के साथ मूव ऑन तो नहीं कर गए हो. ओके, जहाँ तक कि मुझे लग रहा है ये पर्सन पास्ट में आपसे इन्होंने ब्रेकअप कर लिया था, या बात नहीं हो रही अभी आप दोनों में. ओके, मुझे पाइल नंबर वन के बारे में ये चीज़ कहनी है कि आपके जो पर्सन है, हालांकि आपसे प्यार काफ़ी करते हैं, और ये म्यूचुअल है, ऐसा नहीं है कि ये आपसे प्यार करते हो और आप नहीं करते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनको कुछ और ही चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती हैं आपसे. हो सकता है इनका कोई पास्ट कनेक्शन हो सकता है किसी के साथ, या फिर इतना ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं आपके लिए कि कभी कभी चीज़ें इंटिमिडेटिंग लगती हैं. इनको लगता है कि ये सच में पॉसिबल है कि कोई पर्सन हमें इतना ज़्यादा हमें उनके ऊपर प्यार हो, या हम एक सेंस ऑफ खुद को भूल जाना और आपके लिए बहुत ज़्यादा फील करने लगना, आपकी केयर ज़्यादा होना अपने बजाय, ये इनको कहीं ना कहीं खटकती है चीज़ें, और फिर ये कभी कभी इन एंड आउट करते हैं आपकी लाइफ से. हो सकता है बहुत बार ऐसे हो चुका है कि ये पर्सन आपके लाइफ में आए हैं, बहुत स्पेशल फील करवाया है, बहुत प्यार किया, एंड देन अगेन दे वैनिश्ड. तो कई बार मुझे लगता है ये ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है. जहाँ तक कि मुझे लग रहा है, हो सकता है इस पास किसी व्यूअर्स के लिए ये भी हो सकता है कि किसी थर्ड पर्सन के लिए आपको छोड़ दिया हो, लेकिन आपके साथ जो कनेक्शन ये फील करते हैं ये उनको कहीं भी और नहीं मिला. ओके, मुझे लगता है पास्ट में ये पर्सन ने किसी वजह से आपको छोड़ दिया, एंड नाउ दे आर लाइक मैंने क्यों छोड़ दिया, बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं, मैंने क्यों इस पर्सन को छोड़ दिया, मैं क्यों दूर चला गया इस पर्सन से, ये फीलिंग इनको अभी आ रही है, और ये चीज़ काफ़ी खाई जा रही है क्योंकि ये पर्सन आपसे काफ़ी प्यार करते हैं, अट्रैक्टेड भी काफ़ी है आपसे. तो ये चीज़ इनको काफ़ी इनको बुरा लग रहा है अभी कि इन्होंने पास में आपको चूज़ नहीं किया, इन्होंने किसी और पर्सन को चूज़ कर लिया एंड दे वेंट अवे. सो ये चीज़ इनको अभी काफ़ी बुरी लग रही है कि इन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, हालांकि इन्होंने अब कर दिया, तो थोड़ा सा इनको इस चीज़ के लिए बुरा लग रहा है. डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए आपको स्टॉक भी करते हैं,
देखने की कोशिश करते कि आप अपने लाइफ में कर क्या रहे हो। हम अब ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये पर्सन पास्ट में आपको छोड़ के क्यों चले गए थे, आपके आपसे दूरी क्यों बना ली थी, कौन सी ऐसी वजह थी जिसकी वजह से इन्होंने आपको छोड़ दिया। Why is six of swords here? दोनों में एज डिफरेंस भी हो सकता है। ओके, तो अपने ईगो के लिए और शायद इनको कोई चीज़ बुरी लग गई हो और आप वो मानने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि आपकी गलती नहीं थी। मुझे लगता है बिकॉज आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप इंडिपेंडेंट हो, ये चीज़ इनको लगता है कि आपके पास शायद काफ़ी ऑप्शंस है और मुझे लगता है काफ़ी कंट्रोलिंग भी थी, बहुत थे बहुत सारे लोगों के पार्टनर। और जब इन्होंने आपको बोला कि इससे बात मत करो, ये मत करो, वो मत करो, तो आपने खुद के लिए स्टैंड लिया और आपने उनको बोला कि नहीं, मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ या मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, तो मैं किसी को आपके लिए किसी से दूरी नहीं बना पाऊंगा या पाऊंगी। और इस वजह से शायद ये पर्सन बहुत गुस्सा हो गए, अंधे लाइक उनको लगा कि आपके लाइफ में इनके लिए कोई वैल्यू नहीं है, तो इस वजह से ये पर्सन पास में आपको छोड़ के चले गए थे। ओके, लेट्स सी कि ये पर्सन गिल्टी क्यों है। लेट्स सी कि ये पर्सन अभी गिल्टी क्यों है। ओके, विद प्रिंस ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड ये पर्सन विद द वॉन्ड्स ओवर हियर, मुझे लगता है कि आप फायर साइन से भी डील कर रहे हो, सैगिटेरियस लियो एरीज से डील कर रहे हो। और मुझे ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं कि ये पर्सन अभी एक्शन लेना चाहते हैं बट ले नहीं पा रहे, कभी कभार ये अप्रोच करते तो है फिर से चले जाते हैं दूर और जगल करते हैं कि क्या करूँ क्या करूँ, प्लानिंग कर रहे हैं किस तरह से, तो ये गिल्टी काफ़ी ज़्यादा इस वजह से फील कर रहे हैं कि ये स्टेप लेना चाह रहे हैं लेकिन ले नहीं पा रहे हैं। और बहुत ज़्यादा इनको टेंशन हो रही है कि कहीं आपने किसी और को चूज तो नहीं कर लिया, क्योंकि आप बहुत ब्यूटीफुल हो, इंडिपेंडेंट हो, और इस वजह से ये चीज़ें इनको काफ़ी सता रही है। मुझे लगता है कि अभी भी इनके दिमाग में काफ़ी शक है कि आप किसी और के साथ भी हो, ऐसा इनको लगता है। देखते कि ये नथिंगनेस वाला कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। ओके, द मून। ओके, मुझे लगता है कि इनको ऐसा फील होता है कि आप काफ़ी चीज़ें छुपाते हो, ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इमोशनल भी हो रहे हैं फिलहाल आपके लिए, और इनको ये भी लगता है कि आपने इनसे कुछ चीज़ें छुपाई है, कुछ झूठ बोला है। मुझे इस पर्सन को आपके बारे में काफ़ी ट्रस्ट इश्यूज है ये यहाँ पे फील हो रहा है, हालांकि प्यार बहुत है। देखते पेज ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे क्यों है, ये पर्सन क्यों आप पे नजर रख रहे हैं। सेवन ऑफ कप्स, तो ये पर्सन आपको ट्रेजर करते हैं विद द लवर्स कार्ड एंड द सेवन ऑफ कप्स। आई थिंक अट्रैक्टेड भी काफ़ी है एंड इनको लगता है कि आप किसी और के पास ना चले जाओ, आप किसी और के ना हो जाओ, या ये एक रिजेक्शन के फीलिंग को फील नहीं करना चाहते हैं कि ये लौट के आए तो आप यहाँ पे हो इनके लिए, ये चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि आप मूव ऑन कर जाओ, अपने लाइफ में आगे चले जाओ। सो बेसिकली ये पर्सन के ट्रस्ट इश्यूज काफ़ी ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, प्यार है लेकिन ट्रस्ट की जहाँ पे कमी है वहाँ पे फिर ये चीज़ें शक होना और इन एंड आउट करना, इनकंसिस्टेंसी, ये तो होते ही रहता है। सो दिस वॉज इट अगर पाइल नंबर वन। आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिए और प्लीज़ हमारे दूसरे चैनल को विजिट ज़रूर करिएगा, और अगर पसंद आए वहाँ के वीडियोज़ भी तो सब्सक्राइब करिए एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले। प्लीज़ सपोर्ट, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, हमारे जैसे दूसरे चैनल्स ग्रो हुए हैं मुझे इस पर भी ग्रो होना है ताकि मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँ। अगर आपके पास कोई टॉपिक के आइडियाज़ है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में भी बता सकते हो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। जिन्होंने भी ये सेकंड पाइल पर्पल कलर चूज किया था, देखते हैं आपके पर्सन अभी फिलहाल ये सीरियस है आप पे या नहीं है, या क्या कुछ है इस कनेक्शन का, रियलिटी क्या है ये देखने की कोशिश करते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, फ्लावरिंग, मोमेंट टू मोमेंट, प्लेफुलनेस। ओके, सो ये रिलेशनशिप सीरियस है या एवे टाइम पास चल रहा है, देखते हैं। जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ, मुझे लगता है विद नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इस पर्सन को ये काफ़ी झगड़ा करते हैं आपसे किसी चीज़ के ऊपर, बेवजह लड़ाई करना और
मुझे जेलसी की फीलिंग यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रही है. ओके, प्यार से ज़्यादा मुझे लगता है ये पर्सन जेलस काफ़ी है, क्योंकि जहाँ पे आप अपने लाइफ में हो सकता है करियर वाइज या फाइनेंशियली या ऐसे ही, जिस जगह पे आप अपने लाइफ में हो, ये खुद को इनसिक्योर फील करते हैं. इनसिक्योरिटी जेलसी मुझे ज़्यादा लग रही है. ओके, मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन, इनको ऐसे लगता है कि आप काफ़ी सक्सेसफुल हो, काफ़ी रिच हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, ब्यूटीफुल हो, आपको तो कोई भी मिल सकता है. तो ये सेंस ऑफ जो इनसिक्योरिटी है, ये मुझे ज़्यादा यहाँ पे फील हो रही है. प्यार तो मुझे ओवरऑल यहाँ पे कहाँ पे कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कप्स की एनर्जी एक भी नहीं है. तो कप्स बेसिकली इमोशंस और फीलिंग्स को दर्शाते हैं, जो कि यहाँ पे बिल्कुल ही एब्सेंट है. मुझे ये भी लग रहा है कि इनके लाइफ में कोई तो है जो इनको और ज़्यादा ट्रिगर भी करते हैं आपके बारे में, कि यार वो अपने लाइफ में कितनी आगे है, तुम कहाँ पे हो, तुम अपने लाइफ पे ध्यान दो, उसके पीछे मत लगो. मुझे एज गैप भी है, शायद आप बड़े हो इनसे एज में. ओके, जो फीमेल्स है बेसिकली मुझे यहाँ पे एज में बड़ी लग रही है इनके कंपेरिजन में आपके पर्सन के. तो बेसिकली मुझे यहाँ पे जो फील हो रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा आपको लाइक करते हैं फिजिकली भी, फील करते हैं इंटीमेसी आपके साथ चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, आपके साथ एक सेक्सुअली भी कनेक्टेड फील कर रहे हैं. ओके, मुझे लगता है हो सकता है यहाँ पे ये जो रीडिंग देख रहे हैं दो वुमेन टू वुमेन वाली भी मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है. हो सकता है दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अट्रैक्टेड फील करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें मुझे काफ़ी ऊपरी नज़र आ रही है. यहाँ पे इमोशंस नहीं है. ओके, मुझे ये भी लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा पाइल नंबर टू आपके पर्सन आपको लेके इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है, क्योंकि ये जो दो कार्ड्स है ये इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं कि बहुत ही टाइम पास के लिए और फॉर टाइम बीइंग रिलेशनशिप बनाया गया है. इसमें कुछ इमोशनल अटैचमेंट इन्वॉल्वमेंट मुझे आपके पर्सन की नज़र नहीं आ रही है. हमेशा जब भी आपसे बात करते हो सकता है आपसे झगड़ा करते हो, आर्ग्यूमेंट करते हो, और कभी भी एक कॉमन ग्राउंड्स पे आप आ नहीं पाते हो. मुझे लगता है आप ऑन दी अदर एंड काफ़ी स्टेबल हो, शायद एज में भी बड़े हो इस पर्सन से, तो इमेच्योरिटी लेवल इनमें ज़्यादा है. आप काफ़ी मेच्योर मुझे दिखाई देते हो विथ दिस टू कार्ड्स. मुझे लगता है आप रिच भी हो, इंडिपेंडेंट हो और मेच्योर इनफ हो. और ये पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर, ये इनकी एनर्जी मुझे लग रही है कि काफ़ी इमेच्योर और अनस्टेबल मुझे ये एनर्जी फील हो रही है. यू नो, कोई कुछ चीज़ें डिसाइड ना कर पाना, हमेशा आर्ग्यूमेंट्स करना, ब्लेम गेम्स करना, ये मुझे ओवरऑल इस एनर्जी में नज़र आ रहा है. मुझे नहीं लगता ये पर्सन आपके लिए कोई इमोशनल अटैचमेंट रखते भी है. देखते कि वाई इज नाइट ऑफ सर्ड्स, या किसी कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं. Why is Knight of Swords over here? सारे कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करती हूँ यहाँ पे. मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी दिखाई दे रहा है, इंटरनेट से बना हुआ, सो इतना कुछ वॉर्मथ नहीं है रिलेशनशिप में. द मून डेफिनेटली, मुझे लगता है पर्सन आपसे झगड़ा इसलिए करते हैं क्योंकि ये आपके लिए ऐसा फील करते हैं कि आप कुछ छुपाते हो इनसे, एक राज की तरह हो इनके लिए. इनको समझ नहीं आता कि आप शायद कुछ छुपा रहे हो, ऐसे इनको फील होता है. विथ किंग ऑफ वॉन्ड्स मुझे लगता है कि ये पर्सन आपसे कोई क्लैरिफिकेशन चाहते हैं. ये चाहते हैं आपसे बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करें, कि क्या क्यों, जो इनके दिमाग में जो भी थॉट्स और कंफ्यूजन है आपको लेके. वाइज द हर्मिट, मुझे इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए, तो मैं एक ही कार्ड चाहती हूँ. वाइज इज द हर्मिट, ओके द हैंग्ड मैन. मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि ये पर्सन आपको स्टक रखता है. ये पर्सन कोई क्लैरिटी नहीं देता, इन एंड आउट हमेशा होते रहता है आपके लाइफ से. तो बेसिकली आपको समझ आ गया है इस पर्सन का जो टेंडेंसी है कि ये रिलेशनशिप में कभी भी स्टेबल नहीं रहता, इन एंड आउट करता है. विद द किंग ऑफ कप्स मुझे लगता है कि क्योंकि फर्स्ट टाइम कप्स का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है, तो इन फ्यूचर आई थिंक जैसे जैसे प्रोग्रेस करोगे इस रिलेशनशिप में, तो हो सकता है यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन आपके लिए बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स भी जनरेट करे, या फिर दूर रह रहे तो अब दूर रहने के बाद इस पर्सन को आपके लिए फीलिंग जनरेट हो गई है. इन दो कार्ड्स के लिए एक ही कार्ड निकालेंगे, क्लैरिफाई करते हैं. ओके, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स.
डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि बार 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 इस पर्सन ने आपको इन एंड आउट करके, क्योंकि इनकी काफी प्लेफुल और कैजुअल से एनर्जी है, तो इन एंड आउट कर करके आपको इतना ज्यादा परेशान करके रखा है इस पर्सन ने. बट अगर मुझे पहलू के लिए पूछोगे तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके लिए बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स डेवलप करने वाले हैं ओवर टाइम. ओके, सो इट्स अपॉन यू कि आपको इनके लिए वेट करना है, नहीं करना है, आपको मूव ऑन करना है अपने लाइफ में. तो ये आपके ऊपर है, आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है. सो दिस वॉज इट फॉर पाइल नंबर टू. अगर रेजोनेट हुआ है प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना जरूर जरूर करें, बिल्कुल ना भूलें. और हमारे दूसरे दो चैनल्स जो है वहाँ पे भी आप विजिट करके सब्सक्राइब करिए. और इस चैनल पे अगर आप नए हो तो ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. जिन्होंने भी ये थर्ड पाइल येलो कलर का स्टोन चूज किया था, देखते हैं आपके पर्सन आपके ऊपर सीरियस है या नहीं है. फर्स्ट इज द चैरियट, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है आप दोनों के बीच. एट ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन आने वाला है. बियॉन्ड डिल्यूजन, इनके साथ चेंजेस डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. थंडरबोल्ट, पास्ट में आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत प्रॉब्लम्स भी हुई थी एंड दिस पर्सन इज कमिंग इन वेरी फास्ट. ओके, सो फाइन फॉर पाइल नंबर थ्री. जहां तक कि मुझे विद द चैरियट एंड द टू ऑफ स्वॉर्ड्स जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिस पर्सन वॉज डीलिंग विद समवन, आई थिंक या आप या वो कोई तो है जो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे और शायद डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं किसको चूज करे किसको ना करे, कौन मेरे लिए सही है कौन मेरे लिए गलत है. तो ये बेसिकली एक जो चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट मुझे यहाँ पे नजर आ रही है. आप हो, कोई भी हो सकता है, ये आप हो और ये आपके पर्सन भी हो सकता है. विद एट ऑफ वॉन्ड्स एंड द इंटेंसिटी, आई थिंक अगर बहुत टाइम से आप दोनों में बात नहीं हो रही थी, नाउ दिस पर्सन इज कमिंग बैक. मुझे कम्युनिकेशन आते हुए दिख रहा है, कॉल टेक्स्ट, या अगर दूर रहते हैं तो ये पर्सन डेफिनेटली आपसे कॉल टेक्स्ट पे बात करेंगे, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं. ओके, अपनी साइड आपको बताना चाहते हैं. विद द थंडरबोल्ट, आई थिंक बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट एक आप दोनों में प्रॉब्लम आ गई थी और ब्रेकअप हो गया था, और ये ब्रेकअप दोनों के लिए बहुत हार्ड रहा है. ऑन द इमोशनल लेवल मुझे लगता है काफी ज्यादा आपने झेला है, काफी ज्यादा सैडनेस, डिप्रेशन, बुरा फील हुआ है. बट नाउ मुझे लगता है अवेकनिंग हो रही है, एक नई शुरुआत होने वाली है, एक ब्रांड न्यू. अगर को जो भी था ये पर्सन जो थर्ड पार्टी में था वो कन्फेस करेगा एंड बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगा. ये कन्फ्यूजन में जो थे अच्छे और बुरे की, ये इससे बाहर आ जाएंगे मुझे लगता है. डेफिनेटली मुझे लगता है इस ब्रेकअप के वजह से कोई एक पर्सन या दोनों ही काफी ज्यादा उनकी लाइफ अप डाउन हो गई है, काफी ज्यादा झेलना पड़ा है, काफी ज्यादा ही बुरा फील हुआ है और हार्ट ब्रेक फील हुआ है. ओके, दोनों ही एक दूसरे के सिवा यू नो रह नहीं पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ दैट वन पर्सन जो थर्ड पार्टी में है उनके वजह से सारी चीजें खराब हो गई है. मुझे लगता है रिलेशनशिप पहले बहुत अच्छा था और स्कोप भी है इस रिलेशनशिप का फिर से ठीक होने का, लेकिन इस चीज को बात करके सॉर्ट आउट करना पड़ेगा. मुझे लगता है कोई ना कोई इस रिलेशनशिप में दे आर गोइंग टू यू नो कम बैक एंड स्टार्ट टॉकिंग एंड स्टार्ट आउट. एक अगर कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं हो रहा था तो यू कैन एक्सपेक्ट, क्योंकि एट ऑफ वॉन्ट्स कम्युनिकेशन स्विफ्ट, अचानक से एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे, आप सोच भी नहीं रहे थे कि हाँ ये पर्सन वापस आ सकते हैं, तो ये अचानक से आपकी लाइफ में आ जाएंगे. मैं क्लैरिफाई करती हूँ सारे ही कार्ड्स को. वाई इट टू ऑफ सोर्ड्स एंड चैरियट हियर. ओके, प्रिंस ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत सारी फीलिंग्स दिखाई दे रही है दोनों के लिए ही. हो सकता है पास में ये पर्सन दोनों के लिए ही फीलिंग्स रख रहा हो, क्योंकि यहाँ पे प्रिंस ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स है. मुझे लगता है दोनों की ही फीलिंग्स म्यूचुअल थी, आपकी भी और इनकी भी और आपकी और उस पर्सन की भी. तो कहीं ना कहीं जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में था दोनों को ही रखना चाहता था अपनी लाइफ में, दोनों के लिए ही फीलिंग्स फील कर रहा था, दोनों के बीच में कन्फ्यूज था. बट मुझे लगता है अभी ये पर्सन स्टैंड लेंगे और आपको ट्रुथ बताएंगे कि इनको किन के साथ रहना. बेसिकली मुझे लगता है ये आप ही हो जिनके साथ ये रहना चाहते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये कम्युनिकेट नहीं करना चाहते वापस आपसे और चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं करना चाहते. ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. ओके, एक शॉकिंग रिविलेशन होगा ये आपके लिए. आपको लग रहा भी नहीं होगा कि ये पर्सन वापस आ पाएंगे, लेकिन अचानक से ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर जाएंगे. वाई इज थंडरबोल्ट हियर, फिर से टावर कार्ड. ओ माय गॉड, डेफिनेटली ये जो भी ब्रेकअप था आप दोनों का, दोनों के लिए काफी ज्यादा
पेनफुल रहा है, दोनों ने काफी झेला है, दोनों के ही दिल को काफी ठेस पहुंची है, दोनों ही काफी सैड रहे हो इस पूरे सिनारियो में, ये मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। लेकिन अगर आप बहुत टाइम से इनसे बात नहीं कर रहे थे तो अब ये पर्सन ओपन अप होंगे, ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को बताएंगे विद प्रिंस एंड क्वीन ऑफ कप्स। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपको चूज करेंगे, उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकल के ये आपके पास आएंगे और आपको कोई शक की गुंजाइश नहीं रहने देंगे ये पर्सन, क्योंकि जो भी गुजरे हैं ये पर्सन को मुझे लगता है बहुत ही पेनफुल रहा है ये ब्रेकअप इनके लिए। जो आप उनको पाने के लिए आपको खो दिया था, बट उनको पाके भी कहीं खासा मुझे खुश नहीं नजर आ रहा है। ओके, तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज गोइंग टू कम बैक टू यू एंड ऑफर यू दैट कप टू यू, और मुझे डेफिनेटली ये रिकन्सिलेशन होते हुए आप दोनों में ही दिख रहा है। ओके, सो दिस वॉज इट फॉर पाइल नंबर 3। अगर रेजोनेट हुई है प्लीज लाइक कमेंट शेयर करिए, चैनल्स पे अगर नए हो तो ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन भी दबाइए ताकि कोई वीडियो आप मिस ना कर पाए। और हमारे दूसरे दो चैनल्स भी है, प्लीज जाके उस पर भी आप विजिट कर सकते हो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज, लव यू, स्टे होम, स्टे सेफ।